हेलो एवरीवन, ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 122 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देख लेते हैं 122 टू 165। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो आज इसको हम लोग फिनिश कर लेते हैं। यहाँ पर फिर से वही करेंगे, जो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा उसको तुरंत ही स्किप करेंगे सिर्फ सॉल्व करके, और जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा उस पर हम लोग थोड़ा टाइम देंगे। तो यहाँ पर है आरएल परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम है, आर का वैल्यू 6 दिया हुआ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का वैल्यू 8 है, तो जेड क्या होगा? तो ए 64 + 36, दोनों का स्क्वायर का सम कर देंगे, अंडर रूट करेंगे, 10 आएगा। तो सिंपल था इसका आंसर 10। एक ऐसी परिपथ में धारा की दिशा, एसी परिपथ में पूछ रहा है, तो एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? पल पल बदलती रहती है, डीसी में कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, ए हर्ट्ज में डायरेक्शन जो होगा करंट का चेंज होगा। इंडक्शन की इकाई क्या है? तो इंडक्शन का इकाई हेनरी हो जाता है, पर एक्सेल का वैल्यू अगर हम बात करें तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो होता है इकाई वो होता है ओम। दोनों याद रखना है, एल का हो जाएगा हेनरी और एक्सेल का हो जाएगा ओम। एक संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र संचित करता है, एक संधारित्र ऊर्जा को कौन संचित करेगा? यहाँ पर बी, विद्युत क्षेत्र। एक उपभोक्ता के लिए समानता सबसे ज़्यादा किफ़ायती, तो एक्चुअली हम लोग या फिर जो भी उपभोक्ता यूज करता है वो एक्टिव पावर यूज करता है, वी आई कॉस फाई। अब कॉस फाई जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वी आई पी का वैल्यू होगा, तो हम लोग चाहेंगे कॉस फाई का वैल्यू अधिक से अधिक हो। लीडिंग या लैगिंग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा है? 0.95, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला पूछ रहा है विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर कितना होगा? तो विशुद्ध प्रेरक या फिर इंडक्टर, ठीक है, अगर यहाँ पर इंडक्टर है और कैपेसिटर, ठीक है, तो कैपेसिटर इंडक्टर दोनों का अगर प्योर है तो यहाँ पर पावर फैक्टर जो होगा एंगल 90 डिग्री होगा, फाई 90 डिग्री होगा, कॉस फाई, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 0। तो इंडक्टिव हो या फिर कैपेसिटिव हो, 0 हो जाएगा, सुन इसका सही आंसर होगा। थ्री फेज के लिए आप 120 जानते हैं, और उसके बाद किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का रेजिस्टेंस एक्सेल और एक्सी का वैल्यू गिवेन है, तो जेड क्या होगा? तो जेड बराबर क्या जानते हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, 90 माइनस 60 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए आ जाएगा 1600 प्लस 900, 2500, 2500 का अंडर रूट करेंगे तो 50 आंसर आएगा। तो जो सिंपल क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव, तो अगर हम डीसी में बात करें तो डीसी में हमारा आरएमएस और एवरेज ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, किसी डीसी वैल्यू का जब हम आरएमएस निकालते हैं तो एवरेज के बराबर ही होता है। तो एक केस तो आ रहा है एवरेज बराबर आरएमएस, और जब हम एसी का लेते हैं, एसी अगर हम एक पूरा साइकिल ले लें तो पूरा साइकिल में यहाँ पर एवरेज वैल्यू देखते हैं जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, तो यहाँ पर एवरेज कितना आएगा? 0। पर अगर हम आरएमएस का बात करें तो ए आएगा वीएम बाई रूट 2, तो यहाँ पर क्या बड़ा आ रहा है? एवरेज छोटा आ जा रहा है, एवरेज आ रहा है लेस देन आरएमएस। तो एवरेज क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू, मतलब कम या फिर बराबर आरएमएस के। ठीक है, हमारा धारा या फिर वोल्टेज जो भी हो वो क्या होगा? कम और बराबर होगा हमारा जो एवरेज है वो कम या बराबर होगा आरएमएस के। किसी दोलित परिपथ, हालांकि दोलित परिपथ अभी हम लोग को पढ़ना है, इस पर आवृत्ति ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है? तो फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/2 πRLC, और फिर आगे जब थ्योरी डिस्कस करेंगे दोलित्र का तो वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल से देख लेंगे। एसी के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या कहते हैं? तो एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा, ठीक है, और इंडक्टर से जो विरोध होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान क्या होगा? तो फिर से यहाँ पर शून्य हो जाएगा और लीडिंग होगा, करंट यहाँ पर लीड करता है, और कॉस फाई का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा। पावर फैक्टर कॉस फाई के बराबर होता है। पीवीसी का फुल नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है, यदि एक परमाणु के चार कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर, ये हो जाएगा सेमी कंडक्टर। हालांकि यहाँ पर कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा कितना है? इसमें भी चार ही इलेक्ट्रॉन होता है, पर ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर, ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे जानते हैं, सिलिकन, जर्मेनियम, ये सेमीकंडक्टर है, परफेक्ट सेमीकंडक्टर है। उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो कंडक्टर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। एक्चुअली यहाँ कार्बन में होता क्या है, इसका साइज छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़ोर से बंधे होते हैं नाभिक के साथ,
तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए नन कंडक्टर बन जाता है। और ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं साइज बढ़ता जाता है एटम का, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होंगे, और जब लूजली बॉन्ड होंगे तो उसको आसानी से एक जगह से दूसरा जगह रन करवाया जा सकता है। यहाँ पर एक संतुलित त्रिकला द्वारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच क्या रिलेशन है? तो कला वोल्टता और लाइन वोल्टता, यहाँ पर यह स्टार कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कला वोल्टेज ए हो जाएगा और लाइन वोल्टेज हो जाएगा इन दोनों के बीच। तो लाइन वोल्टेज यहाँ पर बड़ा होगा क्योंकि दोनों को मिल करके बना हुआ है, वी एल बराबर रूट थ्री वी पी एच। जब वी एल बराबर रूट थ्री वी पी एच कहाँ से, बी। रिएक्टेंस की यूनिट को क्या बोला जाता है? तो ओम, ठीक है, और एल अगर सिर्फ रहे तो इसका हेनरी। ट्रायंगुलर वेव का पिक फैक्टर कितना होता है? पिक फैक्टर हो जाएगा 1.73 ट्रायंगुलर वेव के लिए। ट्रायंगुलर वेव के लिए पिक फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू बाई आरएमएस, ठीक है। अगर वोल्टेज के लिए निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई आरएमएस वोल्टेज। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्म फैक्टर हो जाता है आरएमएस बाई एवरेज, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है एक कंडेंसर 280 वोल्ट इतना पर 4 एम्पियर धारा लेता है, तो कंडेंसर का मान बताइए। कंडेंसर हो जाएगा एक सी, पहले हम लोग को निकालना होगा एक सी बराबर 1/2 पाई एफ इंटू सी, और आर बराबर हम लोग जानते हैं वी बाई आई, तो वी 280 करंट का वैल्यू 4.4 एम्पियर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व करने के बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 पाई एफ 2 × 3.14 फ्रिक्वेंसी 50 दिया हुआ है इंटू सी, ठीक है। तो 1 बाई इतना इज इक्वल टू हो जाएगा 280/4.4। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सी का आंसर आ जाएगा। उसके बाद 141 क्या बोल रहा है? इतना माइक्रोफेरेट संधारित्र को जब 250 वोल्ट इतना से जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होगा? फिर आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई एक्स, और आई का वी का वैल्यू कितना गिवेन है? वी का वैल्यू है 250 डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? संधारित्र है, तो 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 250 × 2 × 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी 50 इंटू सी, सी का वैल्यू है 140 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 11 एम्पियर, ये इसका सही आंसर होगा 141 का। उसके बाद है शुद्ध प्रेरक, इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या होता है? तो इंडक्टर है तो यहाँ पर 90° लैग होगा, कैपेसिटर में 90° लीड करता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं 143 में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वाट मापी क्या मेजर करता है? तो वाट मापी हमेशा ये जो होगा एक्टिव पावर मेजर करेगा, सक्रिय पावर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर अमीटर वगैरह जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर मेजर करता है, वी आई कॉस फाई, जो हमारे लिए यूजफुल होता है। धारा की दिशा एसी परिपथ में पूछ रहा है, तो एसी परिपथ में धारा की दिशा क्या होती है? पल पल बदलती रहती है, डीसी में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ए हर्ट्ज में डायरेक्शन जो होगा करंट का चेंज होगा। इंडक्शन की इकाई क्या है? तो इंडक्शन का इकाई हेनरी हो जाता है, पर एक्सेल का वैल्यू अगर हम बात करें तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो होता है इकाई वो होता है ओम, दोनों याद रखना है। एल का हो जाएगा हेनरी और एक्सेल का हो जाएगा ओम। एक संधारित्र ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र संचित करता है, एक संधारित्र ऊर्जा को कौन संचित करेगा? यहाँ पर बी, विद्युत क्षेत्र। एक उपभोक्ता के लिए समानता सबसे ज़्यादा किफ़ायती, तो एक्चुअली हम लोग या फिर जो भी उपभोक्ता यूज करता है वो एक्टिव पावर यूज करता है, वी आई कॉस फाई। अब कॉस फाई जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वी आई पी का वैल्यू होगा, तो हम लोग चाहेंगे कॉस फाई का वैल्यू अधिक से अधिक हो, लीडिंग या लैगिंग इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सा है? 0.95, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला पूछ रहा है विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर कितना होगा? तो विशुद्ध प्रेरक या फिर इंडक्टर, ठीक है, अगर यहाँ पर इंडक्टर है और कैपेसिटर, ठीक है, तो कैपेसिटर इंडक्टर दोनों का अगर प्योर है तो यहाँ पर पावर फैक्टर जो होगा एंगल 90° होगा, फाई 90° होगा, कॉस फाई, कॉस 90° का वैल्यू हो जाता है 0, तो इंडक्टिव हो या फिर कैपेसिटिव हो 0 हो जाएगा, सुन इसका सही आंसर होगा। थ्री फेज के लिए आप 120 जानते हैं, और उसके बाद किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का रेजिस्टेंस एक्सेल और एक्सी का वैल्यू गिवेन है, तो जेड क्या होगा? तो जेड बराबर क्या जानते हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, 90 माइनस 60 का
होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए आ जाएगा 1600 प्लस 900 2500, 2500 का अंडर रूट करेंगे तो 50 आंसर आएगा। तो जो सिंपल क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव, तो अगर हम डीसी में बात करें तो डीसी में हमारा आरएमएस और एवरेज ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है। किसी डीसी वैल्यू का जब हम आरएमएस निकालते हैं तो एवरेज के बराबर ही होता है। तो एक केस तो आ रहा है एवरेज बराबर आरएमएस। और जब हम एसी का लेते हैं, एसी अगर हम एक पूरा साइकिल ले लें तो पूरा साइकिल में यहाँ पर एवरेज वैल्यू देखते हैं जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, तो यहाँ पर एवरेज कितना आएगा 0। पर अगर हम आरएमएस का बात करें तो ए आएगा वीएम बाई रूट टू, तो यहाँ पर क्या बार आ रहा है एवरेज छोटा आ जा रहा है, एवरेज आ रहा है लेस देन आरएमएस। तो एवरेज क्या होगा लेस देन और इक्वल टू, मतलब कम या फिर बराबर आरएमएस के, ठीक है। हमारा धारा या फिर वोल्टेज जो भी हो वो क्या होगा कम और बराबर होगा हमारा जो एवरेज है वो कम या बराबर होगा आरएमएस के। किसी दोलित परिपथ, हालांकि दोलित परिपथ अभी हम लोग को पढ़ना है, इस पर आवृत्ति ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, तो फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं एफ इजिक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी, और फिर आगे जब थ्योरी डिस्कस करेंगे दोलित का तो वहाँ पर हम लोग इसको डिटेल से देख लेंगे। एसी के लिए संधारित्र द्वारा दिए जाने वाले विरोध को क्या कहते हैं, तो एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और इंडक्टर से जो विरोध होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। एक संधारित्र में पावर फैक्टर का मान क्या होगा, तो फिर से यहाँ पर शून्य हो जाएगा और लीडिंग होगा, करंट यहाँ पर लीड करता है, और कॉस फाई का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाएगा। पावर फैक्टर कॉस फाई के बराबर होता है। पीवीसी का फुल नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है यदि एक परमाणु के चार कर्षण शक्ति वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर, ये हो जाएगा सेमी कंडक्टर। हालांकि यहाँ पर कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा कितना है, इसमें भी चार ही इलेक्ट्रॉन होता है, पर ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर, ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे जानते हैं सिलिकन जर्मेनियम ये सेमी कंडक्टर है, परफेक्ट सेमी कंडक्टर है। उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो कंडक्टर में कन्वर्ट होता चला जाएगा। एक्चुअली यहाँ कार्बन में होता क्या है, इसका साइज छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन काफ़ी जोर से बंधे होते हैं नाभिक के साथ, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए नॉन कंडक्टर बन जाता है। और ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं साइज बढ़ता जाता है एटम का, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड होंगे, और जब लूजली बॉन्ड होंगे तो उसको आसानी से एक जगह से दूसरा जगह रन करवाया जा सकता है। यहाँ पर एक संतुलित त्रिकला द्वारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच क्या रिलेशन है, तो कला वोल्टता और लाइन वोल्टता यहाँ पर यह स्टार कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कला वोल्टेज ए हो जाएगा और लाइन वोल्टेज हो जाएगा इन दोनों के बीच, तो लाइन वोल्टेज यहाँ पर बड़ा होगा क्योंकि दोनों को मिल करके बना हुआ है। वी एल बराबर रूट थ्री बी पी एच, तो वी एल बराबर रूट थ्री बी पी एच कहाँ से बी। रिएक्टेंस की यूनिट को क्या बोला जाता है, तो ओम, ठीक है। और एल अगर सिर्फ रहे तो इसका हेनरी। ट्रेंगुलर वेव का पिक फैक्टर कितना होता है, पिक फैक्टर हो जाएगा 1.73 ट्रेंगुलर वेव के लिए। ट्रेंगुलर वेव के लिए पिक फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू बाई आरएमएस, ठीक है। अगर वोल्टेज के लिए निकाल रहे हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई आरएमएस वोल्टेज। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म फैक्टर हो जाता है आरएमएस बाई एवरेज, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है एक कंडेंसर 280 वोल्ट इतना पर 4 एम्पीयर धारा लेता है, तो कंडेंसर का मान बताइए। कंडेंसर हो जाएगा एक्सी, पहले हम लोग को निकालना होगा एक्सी बराबर 1/2 पाई एफ इंटू सी, और आर बराबर हम लोग जानते हैं वी बाई आई, तो वी 280 बटा करंट का वैल्यू 4.4 एम्पियर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व करने के बाद आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 पाई एफ 2 × 3.14 फ्रिक्वेंसी 50 दिया हुआ है इंटू सी, ठीक है। तो 1/ इतना इज इक्वल टू हो जाएगा 2.80/4.4। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सी का आंसर आ जाएगा। उसके बाद 141 क्या बोल रहा है, इतना माइक्रोफेरेट संधारित्र को जब 250 वोल्ट इतना से जोड़ा जाता है तो धारा का मान क्या होगा, फिर आई निकालना है, तो आई इज इक्वल टू वी बाई एक्स, और आई का वी का वैल्यू कितना गिवेन है, वी का वैल्यू है 250 डिवाइडेड बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा संधारित्र है, तो 1/2πf(c). तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 250 × 2 × 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी 50 इंटू सी, सी का वैल्यू है 140 × 10⁻⁶। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा 11 एम्पियर, ये इसका सही आंसर होगा।
141 का। उसके बाद है सूत्र प्रेरक, इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज डिफरेंस क्या होता है। तो इंडक्टर है तो यहाँ पर 90 डिग्री लैग होगा, कैपेसिटर में 90 डिग्री लीड करता है, तो इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं 143 में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वाट मापी क्या मेजर करता है। तो वाट मापी हमेशा ये जो होगा एक्टिव पावर मेजर करेगा, सक्रिय पावर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर अमीटर वगैरह जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर मेजर करता है, वी आई कॉस फाई, जो हमारे लिए यूजफुल होता है। उसके बाद है ओ 144, यदि स्टार संयुक्त थ्री फेज परिपथ को फेज करंट 100 एम्पियर हो तो लाइन करंट क्या होगा। तो स्टार है, स्टार में हम लोग क्या जानते हैं, फेज इज इक्वल टू लाइन, जितना करंट इस लाइन इसमें फ्लो करेगा उतना ही इस फेज से भी फ्लो करेगा, तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा 100 एम्पियर ही इसका सही आंसर होगा 144 का। उसके बाद है किसी प्रेरकीय परिपथ में प्रयोग किया गया वोल्टेज और प्रवाहित करंट के बीच फेज रिलेशनशिप क्या होगा। तो इंडक्टिव में है तो इंडक्टिव में करंट और वोल्टेज क्या होगा, एक फेज में नहीं रहेगा, दोनों अलग अलग रहेगा, करंट वोल्टेज से पीछे रहेगा, ठीक है। ये करंट है, ये वोल्टेज है, तो इंडक्टिव में करंट वोल्टेज से पीछे रहेगा। उसके बाद 146 है, रेजोनेंस आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान क्या होगा। तो रेजोनेंस पर हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जब रेजोनेंस पर हो तो एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं, तो ए पार्ट जीरो हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो जेड बराबर आर परिपथ का रेजिस्टेंस, और ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ये आप लोग को पता ही है। स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सर्किट का लाइन वोल्टेज 415 है तो इसका फेज वोल्टेज क्या होगा। तो फेज वोल्टेज हो जाएगा, स्टार कनेक्टेड है तो 415/√3, ठीक है। यहाँ पर स्टार है तो स्टार में जो फेज होगा वो कम होगा, और लाइन जो होगा यहाँ से यहाँ तक लाइन होगा वो ज़्यादा होगा, तो ये लाइन दिया हुआ है, लाइन को हम √3 से डिवाइड करेंगे तो कम आ जाएगा, मतलब फेज हम लोग का निकल जाएगा। और इस वैल्यू को याद भी रखा जा सकता है, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा 230 या 220 करके ऐसा कुछ आएगा, और इस वैल्यू को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछता है यहाँ से तो इस वैल्यू को ही उठाता है, 415 को ही उठाता है। उसके बाद है किसी एसी परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात में ज़्यादा हो तो कौन सा कथन सत्य होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तो सही कौन होगा। तो जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैग करेगा, लैग करेगा मतलब वोल्टेज और करंट अलग अलग फेज में होंगे, मतलब कि फेज से बाहर होंगे, आउट ऑफ फेज होंगे। उसके बाद है 150, एसी के माध्यमन और एसी के शिखर मन इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग जानते हैं आई आर्मी इज इक्वल टू Vm/√2, और आई एवरेज होता है वो बराबर होता है 2 Vmax/π। अब इन दोनों में रिलेशन पूछा है क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग ये रिलेशन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आई आर्मी, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से Vm का वैल्यू लेकर के और इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से Vm का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो ये Vm आ जाएगा I एवरेज इंटू पाई डिवाइडेड बाई टू, ये Vmax का वैल्यू आएगा, और इस Vmax के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम लोगों को I RMS और I एवरेज में रिलेशन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा I एवरेज इंटू पाई डिवाइडेड बाई टू, या यहाँ से I एवरेज हम लोग निकाल लें तो I एवरेज हो जाएगा 2 I RMS/π, तो 2 I RMS/π ये हो जाएगा हम लोग का रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि इसने दे नहीं रखा है कौन इसमें RMS है कौन एवरेज है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है हम लोग के रिलेशन से, यहाँ पर I नोट और I दे रखा है पर ये नहीं दिया है कि RMS इसमें I है या फिर I नोट है। अगर I को RMS मान करके चले तो हम लोग का पाई बाई टू इंटू एवरेज, फिर ये ऑप्शन हम लोग का मैच नहीं करेगा। अगर I नोट को RMS मान के चले तो 2 I एवरेज/π, ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर रिलेशन निकाल चुके हैं, इस रिलेशन को ध्यान में रखना है। उसके बाद है एसी परिपथ में धारा का माप 4 एम्पियर है तो उसके धारा के अधिकतम तत्कालिक मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 4√2, ठीक है। अगर दिया हुआ है आरएमएस दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर परिपथ का धारा का मान दिया है तो आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है, और आरएमएस में जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को एवरेज मिल जाता है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पूछ रहा है एक चौक कुंडली का व्यवहार परिपथ के धारा को नियंत्रित करता है। तो चौक कुंडली ए इंडक्टर होता है, ए सिर्फ एसी को नियंत्रित करता है, डीसी इसमें आसानी से पार कर जाता है, डीसी के लिए शॉर्ट सर्किट होता है। एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय
किस में होती है? तो धारिता में कोई शक्ति व्यय नहीं होता, प्रेरकत्व में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध में होता है। और परिपथ की औसत शक्ति क्या होता है? तो E इंटू आई कॉस फाइव। शुद्ध एसी में आरएमएस मान और शिखर मान का अनुपात क्या होता है? तो आरएमएस इज इक्वल टू क्या जानते हैं, शिखर वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट टू। तो आरएमएस बाई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, आरएमएस और शिखर बोला है तो आरएमएस को ऊपर रखेंगे, शिखर को नीचे रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/√2। एसी का समीकरण इतना है। तो धारा का आवृत्ति क्या होगा, फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है क्या होगा, तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू 100, क्योंकि होता है आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा का वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाइव भी हो सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है, तो फाइव को भी हम लोग को इग्नोर कर देना होगा, सिर्फ टी का जो कोफिशियंट है उसको लेना होगा। 2 पाई f 100, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100/2π, मतलब कि 50/π, 50/π इसका सही आंसर होगा बी। उसके बाद है ज्यावक्रीय सप्लाई, जिसका चरम मान 100 है, आरवीएस मान क्या होगा, तो 100/ हालांकि यहाँ पर ज्यावक्रीय सप्लाई जिसका चरम मान, ठीक है, 100/√2, ये इसका सही आंसर होगा। चरम मान दिया हुआ है, एक होता है पीक वैल्यू और एक होता है पीक टू पीक, तो पीक टू पीक का क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पर रूट टू से भी डिवाइड करना होगा, तो उसको आगे देख लेंगे। एक शुद्ध प्रेरकत्व की औसत शक्ति क्या होती है, तो वो 0 होता है, कैपेसिटर और प्रेरक इंडक्टर दोनों का औसत शक्ति 0 होता है। यहाँ पर बोल रहा है कौन किस से लैग कर रहा है, कौन किस से लीड कर रहा है, तो ये जो आई टू है वो लैग कर रहा है, आई वन है, आई वन लैग कर रहा है आई टू से, और जो आई टू है ये लीड कर रहा है किससे, आई वन से ये लीड कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर धारा आई वन और धारा आई टू समान है, ये तो गलत है, आई टू आई वन से लीड कर रहा है, आई टू आई वन से लीड कर रहा है, सही आंसर है बी, आई टू धारा आई वन से लीड कर रहा है। वोल्टेज इतना दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फिर से हम लोग फाई को इग्नोर करेंगे, सिर्फ ओमेगा का वैल्यू कितना है, ये है 800π, तो 2π f का वैल्यू 800π, पाई से पाई कैंसिल, f का वैल्यू 400, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/400, और इसको अगर मिली सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर दो जीरो कटेगा और ये 2 पॉइंट ये आ जाएगा 2.25 मिली सेकेंड हम लोग का आंसर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है 0.025 जो कि गलत है, ठीक है, 2.025 इसका सही आंसर आएगा। एक बार फिर से डिवाइड करके देख ले, 10 में दो बार में 20 आएगा, हालांकि 2.5 आ रहा है, ठीक है, 2.25 नहीं 2.5 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया है। उसके बाद आते हैं 61 में पूछ रहा है शक्ति का कॉस फाइव किसके तुल्य होगा, तो कॉस फाइव इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं R/Z, पर यहाँ पर जी और वाई के टर्म में दिया है, R को हम लोग 1/G लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस को उल्टा कंडक्टेंस, और जेड को 1/Y लिख सकते हैं, ठीक है, इम्पीडेंस को उल्टा एडमिटेंस। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये Y/G आएगा, और Y/G यहाँ पर फिर से ऑप्शन में नहीं है, पर हम लोग का सही आंसर Y/G आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है एक ज्यावक्रीय तरंग का शिखर, यहाँ पर शिखर से शिखर ए पीक टू पीक वैल्यू दिया हुआ है, पीक टू पीक मतलब कि यहाँ से पीक टू पीक कहने का मतलब है, अगर AC सिस्टम है तो ये जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू होगा वो होगा पीक टू पीक, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पीक कहलाता है। तो पहले पीक वैल्यू निकाल लेंगे, पीक वैल्यू आ जाएगा 400 के आधा 200, और उसके बाद जब आरएमएस निकालेंगे तो 200/√2, तो ये सही आंसर होगा। अब निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का आवृत्ति काल सबसे कम होगा, तो आवृत्ति काल सबसे कम मतलब कि टाइम पीरियड सबसे कम उसका होगा जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद है अपेरेंट पावर कौन सा इसमें सबसे बड़ा है, तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बनाना हम लोग सीख ही चुके हैं, ये होता है हम लोग का अपेरेंट पावर, ये होता है एक्टिव और ये होता है रिएक्टिव, तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, अपेरेंट इन दोनों के सम से बना होता है, ठीक है, दोनों के स्क्वायर के अंडर रूट करने से, जोड़ने से बना होता है अपेरेंट, अपेरेंट हमेशा दोनों से बराबर होगा, रियल से भी और एक्टिव से भी, तो अपेरेंट यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, बड़ा। और उसके बाद है किस परिपथ का पावर फैक्टर 0 होता है, तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों का हम लोग जानते हैं पावर फैक्टर 0 होता है, बी और सी इसका सही आंसर है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी हम लोग का ख़त्म हो गया, ठीक है, उसके बाद अब मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, ठीक है, तब तक इस वीडियो को क्लोज करते हैं, थैंक यू।